नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं किसान भाइयों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं इसके विश्वकर्मा स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इसके आंदोलन में। किसान भाइयों, जब हमारे किसान भाई धान की फसल लगाते हैं तो उनमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, तो इस टॉपिक पे आज मैं आप बात करूँगा कि खरपतवार नियंत्रण हमारे धान की फसल में कैसे हो पाएंगे। तो वीडियो के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि नंबर वन, जो 2022 का नया फार्मूला, नई दवाई जो आपके धान की फसल में बिल्कुल खरपतवारों को उगने नहीं देगा। किसान मित्रों, बताते चलूं कि अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी हम अपने किसान मित्रों तक देते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो किसान मित्रों स्टार्ट कर लूँ। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे धान की रुपाई होने के बाद किसान भाई खरपतवारों के लिए कई दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में एक ऐसी नई दवाई निकल के आई है जो हमारे किसान भाइयों के धानों की फसल में बिल्कुल खरपतवार उगने नहीं देंगे। वो दवाई कौन सी है, मैं वीडियो के एंड में नाम लूँगा। सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि नंबर वन, तो किसान भाइयों, आप धान की रुपाई करने के बाद लगभग उसमें 10 दिन पानी ना चुकने दें। अगर पानी चुक गया, जो नीचे खरपतवार उग रहे हैं वो बहुत जल्दी से निकल आएंगे, बशर्ते आप 10 दिन पानी अपने धान की फसल में ना चुकने दें, जिससे जो खरपतवार निकलने की पोजीशन में होते हैं उनको ये पानी निकलने नहीं देगा। अब मैं आप लोगों को किसान मित्रों बताने जा रहा हूँ दवाई का नाम, जो आपके धान खरपतवारों के लिए बहुत ही घातक साबित होगी। किसान मित्रों, ग्लाइफोसेट आपको 1 लीटर की मात्रा लगभग 1 एकड़ में डालनी है। ग्लाइफोसेट में ऐसी दवाई है जो आपके धान कि स्टार्टिंग में कोई भी खरपतवार उगने नहीं देगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान मित्रों कि आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल एक बार करके देखें। बहुत से किसान भाई हमारे यहाँ मचेटी, क्लोरो, कई ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके धानों को फसल में खरपतवार उगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की मात्रा यहाँ पर कम है, तो इनमें इनके खेत में जो है खरपतवार उगने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसान मित्रों आप तो सबसे पहले 10 दिन पानी अपने खेत में बनाए रखना है। किसान मित्रों, ग्लाइफोसेट आपको कब प्रयोग करनी है? ग्लाइफोसेट आपको किसान मित्रों पानी अपने खेत में पानी भरे रहने देना है। धान के रोपाई के बाद लगभग दूसरे या तीसरे दिन आपको इसका छिड़काव कर दें, जिससे आपके धान की फसल में खरपतवार उग ना पाए। किसान मित्रों, पानी जब आपके खेत में हो तभी आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें, पानी ना हो तब इसका प्रयोग ना करें। अगर सूखे में करेंगे तो ये कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देगा। और किसान मित्रों, ग्लाइफोसेट डालने के बाद जो आप ग्लाइफोसेट अपने खेत में डालेंगे, पानी भरा होना चाहिए। किसान मित्रों, ग्लाइफोसेट डालने के बाद आप उसमें दोबारा पानी मत छोड़िएगा, जब तक पानी सूख ना जाए। अगर सूखेगा नहीं तो जो दवाई आप डालेंगे वो ऊपर ही रहेगी, नीचे ज़मीन में जाएगी नहीं। अगर ज़मीन में नहीं जाएगी तो आपके जो खरपतवार उग रहे हैं वो उग आएंगे ऊपर को। तो आप लोगों को ग्लाइफोसेट डालने के बाद किसान मित्रों उस पानी को सुखा देना है, जिससे ये दवाई नीचे पहुंच जाए। नीचे पहुंचने से जो खरपतवार होंगे उनको जड़ से बिल्कुल नष्ट कर देगी, आपके धान की फसल में खरपतवार उगने का नाम नहीं लेने देगी। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है किसान मित्रों, बहुत ही अच्छी दवाई है आपके धान की फसल में खरपतवारों के रोकथाम के लिए। किसान मित्रों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लाइक के साथ हमारे किसान मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय।